ठंडियों के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े के साथ चाय या कॉफी मिल जाए तो क्या ही बात है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनु और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल होम फूड स्टूडियो में। तो आज हम बनाएंगे चिकन पकौड़ा। तो सबसे पहले चिकन में हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और आधा नींबू का रस हम यहाँ पर निचोड़ कर डालेंगे। चिकन पकौड़ा बनाने के लिए हम चिकन को दो पार्ट में लेयरिंग करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट लेयरिंग होगा। तो नींबू को अच्छे तरीके से निचोड़ लेने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। सारे मसाले डाल लेने के बाद मसाले और चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसे ढक कर 1 से 2 घंटे के लिए या फिर पूरी रात के लिए छोड़ देंगे, ताकि मसाले और चिकन अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। हम चिकन को रात भर के लिए छोड़ दिए थे, आप चाहें तो 1 से 2 घंटे में भी बना सकते हैं। तो अब हम इसकी दूसरी लेयरिंग कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और अब इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच के करीब चावल का आटा और फिर इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच के करीब बेसन, 2 कटी हुई हरी मिर्च और दही का पानी। हम यहाँ पे दही का नहीं बल्कि उसके पानी का यूज करेंगे। फिर यहाँ पे 1 अंडे को तोड़कर उसका व्हाइट पार्ट को अलग कर लेंगे और व्हाइट पार्ट का ही हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। सारे मसाले डाल लेने के बाद अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसकी अच्छे तरीके से लेयरिंग करेंगे, कोटिंग करेंगे, जैसे हम बाकी पकौड़ों को करते हैं। चिकन को हम अच्छी तरीके से कोटिंग कर लेंगे, लेयरिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में कितनी अच्छी तरीके से इसकी कोटिंग हुई है। तो अब हम इसे फिर से ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि चिकन लेयरिंग को अच्छे तरीके से पकड़ ले। तो यहाँ पे चिकन को मैरिनेट किए हुए 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं इसके पकौड़े बनाने की ओर। तो यहाँ पे पकौड़े बनाने के लिए तेल को हम अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लेंगे। ध्यान रखिएगा तेल ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, वरना पकौड़े जल जाएंगे। तो यहाँ पे तेल अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है, तो हम इसमें एक एक करके पकौड़े डालेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप इसे अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी कर लीजिएगा ऑन, ताकि आने वाले सारी रेसिपी के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। यहाँ पे चिकन को हाफ डन फ्राई करेंगे, फुल डन फ्राई नहीं करेंगे, हम इसे दोबारा में फुल डन फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे चिकन के पकौड़े को मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे। और ऐसे ही हम सबसे पहले चिकन को हाफ डन फ्राई कर तैयार कर लेंगे और जब सारे चिकन के पकौड़े बनकर तैयार हो जाएं तो फिर हम इसे करेंगे फुल डन। तो हम यहाँ पे दूसरे बैचेज को भी इसी तरीके से तलकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारे चिकन के पकौड़े हाफ डन बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसे फिर से फ्राई कर इसे फुल डन कर लेंगे। चिकन को यहाँ पर फर्स्ट टाइम में 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई किया है और दूसरे टाइम में सिर्फ 2 मिनट के लिए। तो लीजिए, गर्मा गर्म चिकन का पकौड़ा बनकर तैयार है। आप इसे अपने मनपसंद चाय या कॉफी के साथ एंजॉय कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ।